नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सावन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। सावन मास में किसी भी शनिवार के दिन जो व्यक्ति शाम के समय सूर्य अस्त के बाद शनि शांति हवन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। हवन कैसे करना है? हवन की 500 ग्राम सामग्री लेकर उसमें हवन की सारी सामग्रियां मिलाएं और टोटल जितनी वो सामग्री हो जाए उतने ही बराबर के आप काले तिल ले लीजिए बराबर मात्रा में। उसके बाद नीम की लकड़ी लीजिए और विधि विधान से जिस तरीका से पूजा पाठ करते हैं और शनि देव का संकल्प लेके आप यज्ञ हवन करें, वो हवन आपको नीम की लकड़ी से ही करना है टोटल। और टोटल इसमें 108 आहुति देनी है, घी की भी और सामग्री की भी। हर आहुति पर शनि मंत्र बोलना है, ओम सन शनिचराय स्वाहा, ओम सन शनिचराय स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति आपको हवन में देनी है। जो व्यक्ति इस तरीका से शनि देव का शनि शांति हवन करता है, शनि को प्रसन्न करने के लिए सावन मास में किसी भी शनिवार के दिन शाम को यह हवन करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और दूसरा उपाय मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जैसे कि फिलहाल वर्तमान में 2023 में तीन राशियों पर शनि की 7.5 लगी है और दो राशियों पर शनि की ढैया लगी है, मकर कुंभ मीन इन तीन राशियों पर शनि की 7.5 लगी है और कर्क वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया लगी है। यदि ये पांच राशि के जातक ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर से हमारी राशि पर से शनि का प्रभाव कम हो जाए, शनि शांत हो जाए, शनि प्रसन्न हो जाए, तो आपको क्या करना है, सावन मास में किसी भी शनिवार के दिन आप कोई भी लोहे की वस्तु किसी अजनबी दूर के व्यक्ति को दान कर दीजिए। ऐसा करने से एक शनिवार ही दान करना है सिर्फ। यदि आप सावन मास में शनिवार के दिन कोई भी लोहे की वस्तु दान करते हैं तो मकर कुंभ और मीन राशि वालों की 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर या जातिकाओं पर शनि की ढैया चल रही है तो उसका भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि शनि से हमें मुक्ति मिल जाए, शनि के प्रकोप से, शनि के क्रोध से बचें, तो इसके लिए तुरंत सावन मास में किसी भी शनिवार के दिन लोहे की वस्तु दान कर दीजिए।